ऑर्नामेंट्स, म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स, गायकी में लगने वाले छोटे छोटे आभूषण, उन्हें सीख लेने से, उन्हें लगा देने से हमारी गायकी में चार चांद लग जाते हैं। तो आज उस ही तरह का एक ऑर्नामेंट हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पर्श स्वर, या फिर उसे कहते हैं कण सुर। तो ये कण सुर क्या होता है, स्पर्श सुर क्या होता है, और गायकी में ये कैसे आपके गाने को सुशोभित कर देता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। उसकी कुछ टेक्निक जानेंगे, उसका एक अलंकार जानेंगे जिसके थ्रू आप उस स्पर्श स्वर को अपने गले में उतार सकते हैं, और कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उसका शऊर, उसकी जो सेंस है, वो भी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तू भूल न जाना जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना तन पे हरी का चोला, 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 तन पे हरी का चोला। हरकतें, मुर्कियाँ, गमक, कण, ये जो शब्द हैं ये आप सभी लोगों के सुने हुए हैं, और एज अ सिंगर आप चाहते हैं कि ये जो शब्द हैं ये क्या होते हैं वो आपको जानकारी हो जाए और गले में वो सब बैठ जाए। वैसे तो इन पर हम सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं जिसमें अलग से मैंने गमक के बारे में बताया, गमक के अलंकार बताए, कण मुर्की के बारे में बताया, उनके सेपरेट अलंकार्स बताए हुए हैं जिनको लगा कर, जिनको गा कर आप गले में अपने वो जगह पैदा कर सकते हैं कि गले में वो थोड़ी सी दानेदार हरकतें आपके आ जाए जो आपके गले में गानों में काफ़ी एक सुशोभित करने का काम करें, ऑर्नामेंट आभूषण बन जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आज एक आभूषण की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर दूं, ये जो शब्द है हरकत, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखने जाएं तो हरकत का मतलब होता है मूवमेंट, हलचल। तो यही जो हलचल है अगर गले में हो जाए और स्वरों में हो जाए तो उसे हरकत कहा जाता है। अब मूवमेंट स्वरों की, यानी कि सीधा सीधा स्वर न लगे, यानी कि सा रे ग म प ध नी सा, ये सीधा सीधा स्वर था, लेकिन सा नी, अब मैंने सा नी सीधा नहीं लगाया, वहां हल्की सी हरकत करी, हल्का सा मूवमेंट किया स्वरों में, सा नी। तो ये जो स्वर संगतियां मैंने इस्तेमाल करी हैं, कौन सी थी पर्टिकुलरली और कहां कैसी इस्तेमाल करते हैं, वही हरकत की खूबसूरती को बढ़ाता है। अब मान लीजिए इस हरकत में सबसे पहला जो शब्द आता है वो संगीत में आता है कंपन, यानी कांपना। मान लीजिए सा, ये तो मेरा स्वर सीधा है, लेकिन ये हो गया कंपन। अब यही जब कंपन नियमित हो जाए और निरंतर हो जाए तो उसे संगीत में आंदोलन कह देते हैं, जैसे कि सा रे, ये जो झटके मैं दे रहा हूँ ये बराबर दे रहा हूँ, गले से ही ये झटका रहा है, यानी उस ही स्वर पे एक स्ट्रोक दे रहा हूँ, तो ये सॉफ्ट हुआ तो एक आंदोलन बन गया। यही आंदोलन अगर थोड़ा सा शार्प हो जाए तो ये खटका का रूप ले लेता है, जैसे कि सा रे हे ग म ह प ह, तो ये खटका हो गया, जैसे कि ग म प नि ने ने, थोड़ा सा शार्प है, ये खटके का रूप लेता है, जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड नहीं होता उसमें हम क्लिक क्लिक एक कड़क सी आवाज़ आती है जब उसको दबाते हैं, इसीलिए आम भाषा में उसे भी कहा जाता है कि खटका, है ना, वो स्विच बोर्ड में जो स्विच होते हैं उसको खटका भी कहा जाता है। तो ये हो गया यानी कंपन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अगर नियमित और निरंतर हो गया तो आंदोलन, और यही आंदोलन थोड़ा शार्प हो गया तो बन जाता है हमारा खटका। अब आ जाइए इसके आगे, जब ये खटका या यही आंदोलन थोड़ा सा झूलते हुए आए तो गमक कहलाती है, जैसे कि आ, अब ये शार्प था आ, तो ये दाना था, तो दाना बोल रहा है तो खटका है, है ना, और यही थोड़ा झूल के आए तो आ, तो गमक बन जाता है आ,
अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोस में दिया हुआ है। अभी मैं स्पर्श स्वर और कर्ण स्वर तक आने के लिए थोड़े ऑर्नामेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब ये झूल रहा है गले से तो गमक बन रही है। अब ये एक एक ऑर्नामेंट लाने के लिए, एक एक अलंकार लाने के लिए गले में अभ्यास करना पड़ता है ना। तो अभी मैं मीनिंग तो समझा रहा हूँ लेकिन आएगा कैसे गले में, वो सेपरेट वीडियोज़ दिए हुए हैं कि गमक लानी है तो ये वाला अलंकार प्रैक्टिस करो, कर्ण और मुर्कियाँ लानी है तो ऐसे वाले करो, हरकतें लानी है तो ये करो, मींड लानी है तो ये करो। अब क्योंकि मैं गमक पे आई चुका हूं, ये गमक थी, वरना ये झटका है खाली, आपका जो खटके हैं खाली, है ना। लेकिन यही झूल जाए तो गमक, गमक कई प्रकार की हो सकती है, अब उसमें डिटेल में जाओ तो जाओ, वरना मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो थोड़ी हैवी बताऊं तो ये थोड़ा सा हैवी हो गया, और यही ये थोड़ी हल्की गमक हो गई। ठीक है, जो अलग अलग सिचुएशन अनुसार इस्तेमाल हो जाएगी। फिर आ जाऊं मींड पे। मींड की अगर आप परिभाषा देखते हो किताबों में तो मिलती है, वैसे मैंने सेपरेट वीडियोस इस पे दिए हुए हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि मींड का अलंकार क्या है जिससे मींड गले में बैठे। लेकिन मींड मुख्यतः आप ये समझो इंद्रधनुष की आकृति में जब एक सुर से दूसरे सुर की ओर जाते हैं तो वो मींड कहलाती है। जैसे कि सा सीधा सीधा सा प सा, ये ना लगा के सा प सा, आप देख रहे हैं एक खींच रहा हूं मैं रबर बैंड की तरह। इस ही मींड का छोटा स्वरूप होता है स्पर्श स्वर। अब आ जाते हैं हम यहां पर, यानी ये स्वरों की जो दूरी है, जैसे मैंने सा से प में ली, अगर ये स्वर नजदीक आ जाए तो स्पर्श स्वर बनता है। स्पर्श यानी कि छूना, टच करना, लम्स जिसको उर्दू में कहते हैं। तो सा रे ग प ग प नी, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा घुमाव आ रहा है, वरना सा रे ग प नी, लेकिन ये मैंने कैसे गाया, सा रे ग प ग प नी। इन्हीं ऑर्नामेंट से आपकी सादी गायकी खूबसूरत बन जाती है, जैसे सा रे ग प प प, तो ये मैंने खटका दिया तो कितनी खूबसूरती लगी, ग प ने प ग प ने, और ये ग, यहाँ भी हल्की सी गमक लाया मैं, और इसको सॉफ्ट भी कर सकता था ग ग ग प, लेकिन मैंने गाया ग प तो गमक भी लाया। यानी एक एक ऑर्नामेंट नमक मिर्ची की तरह, मसालों की तरह अपने जैसे खाने में स्वाद आ जाता है, वैसे ही गाने में स्वाद आ जाता है आपके जब एक एक ऑर्नामेंट मिलता है तो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है स्पर्श स्वर यानी मींड का छोटा स्वरूप है। अब मींड दो प्रकार की होती है, यह मैं उन वीडियोस में तो बता ही चुका हूँ, यहाँ भी दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ। एक तो उस ही सुर पर दोनों अक्षरों को बोल लेना। अब यहाँ ऑर्नामेंट लगाते समय आपको ये जानना होगा कि स्वर और अक्षर बिल्कुल अलग अलग हैं, एक नहीं है। जैसे कि सा प, अब मैंने प जो है वो सा की श्रुति पर ही बोल दिया, सा के स्वर पर ही बोल दिया प का अक्षर, और वहीं से खींच के उसे मैं पंचम तक लाया। अभी इंस्ट्रूमेंट पे हारमोनियम पर भी करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा और आसानी से देखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिकली आप विजुअलाइज जल्दी कर पाओगे। तो सा प, और एक हो गया सा प, यानी सा पर ही मैंने सा बोला, सा के अक्षर पर, सा के स्वर पर ही सा बोला, उसी ही पर पंचम का अक्षर बोलकर प को खींच कर मैं प तक लाया, उसके स्वर को खींच कर। फिर ये तो पहला प्रकार। दूसरा प्रकार हो गया कि सा पर ही मैंने सा बोला और सा को खींच के पंचम तक ले आया, पंचम की श्रुति तक, पंचम के स्वर तक, और तब जाके मैंने प बोला, यानी सा प। और एक हुआ सा प। अब यही अगर नजदीक के उसमें कर दिया जाए तो स्पर्श स्वर बन जाता है, जैसे सा रे ग म प ध नी सा। अब ये मैंने क्या किया, सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा नी रे सा, है ना। लेकिन मैंने अक्षर सारे गम पधनी सा ही बोले, उनके अलावा कोई अक्षर नहीं बोले, यानी यहां मैंने
ग रे को किस तरह से बोला, ग पर ही मैंने रे का अक्षर बोल दिया, सा ग, ये ग है, इसी पर मैं बोलूंगा रे। इसके लिए पहले आप ये एक्सरसाइज करके देख लीजिए कि एक ही सुर पे आप सातों अक्षर बोल के देख लीजिए, सा रे ग म प ध नी सा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आप स्वर और अक्षर को दोनों को अलग अलग नज़र से देख पाएं। फिर कैसे क्या क्या किया आपने, सा ग, अब इस पे मैं बोलूँगा रे और मैं इसे रे के स्वर तक खींच के लाऊँगा रे, सा ग रे, उसकी आस को मैं कहाँ तक लेके आया, रे के स्वर तक, और यही मुझे हर एक सुर के साथ करना है। जैसे कि सा भी लगाएगा तो लगाएंगे रे सा, सा सा रे सा, है ना। लेकिन इसको गाने से पहले आप पहले ये वाला अलंकार गा लीजिएगा, रे सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा नी रे सा, ठीक है। उसके बाद इसी अलंकार को आप कैसे गाएंगे, रे सा, जो मैंने मींड़ का भी आपको समझाया कि कैसे उसी स्वर पे अक्षर बदल के उसको पिछले वाले तक लाते हैं, रे सा ग रे म ग, यानी उसी पर दोनों स्वरों को बोल लेना है, रे सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा नी रे सा। अब इसी का अवरोह बनेगा तो सा रे, ऐसा भी जा सकता है, और सा रे नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा रे नी सा, और यही फिर आप जो स्वरांगिनी का दूसरे पेज का अलंकार है उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, सा ग ग सा म रे प ग ध म नी प सा ध रे नी ग सा सा पनी म ध ग प रे म सा ग नी रे ध सा, इस तरह से जा सकते हैं। और फिर इसकी स्पेस बढ़ाते जाइए, म सा म सा, ये करते रहिए। ये वाला जो एपिसोड है, ये जो स्पर्श स्वर हैं, इसको लगाने से पहले आप एक बार मींड़ का अलंकार जरूर अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि आपको ये लगाने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इन स्पर्श स्वरों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना होता है वो आपको गुरु बताते हैं। ये उसी तरह से है जैसे आभूषण कौन से कहाँ पहनने हैं, कान में कौन से झुमके किस ड्रेस के साथ आएंगे, नाक में कौन से कलर की नथनी या कौन सा पदार्थ होगा जिसकी वो नथनी पहनी जाएगी, या जो जो भी टीका आपने लगाया है या जो भी ऑर्नामेंट आपने पहने हैं वो किस कॉम्बिनेशन किस रेशियो किस प्रपोर्शन के होंगे, ये एक स्टाइलिस्ट आपको बताता है। कैसे हेयर स्टाइल आपके किन कपड़ों के साथ जाएगी, खुले रहेंगे बाल के बंधे रहेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें जैसे एक स्टाइलिस्ट आपको बताता है, उसी तरह से गुरु आपको बताएंगे कहां क्या लगाना है। जैसे अगर आप बिलावल गाते हैं मान लीजिए, तो बिलावल की जो स्वरूप जाता है वो सा रे ग ग प ध नी सा द प म ग म रे सा रे सा। किताबों में क्या लिखा है, सा रे ग प ध नी सा नी ध प या सा ध प म ग म रे सा। लेकिन जैसा मैंने हमेशा कहा है कि ये कण मुरकी या कोई भी आभूषण अपने गले में लगाने से पहले, दिमाग से उस रचना में आभूषण लगाने से पहले उसे सादा गा लीजिए। जब वो सादा और प्लेन गव जाएगा, समझ आ जाएगा, तभी उसमें आभूषण अच्छे लगेंगे, वरना खराब लगेंगे, ठीक है। तो ये स्पर्श सुर का अलंकार हुआ।
अब इसे एक बार मैं हारमोनियम पर भी करके बता दूं तो आपको मालूम चल जाए, और उससे पहले मैंने बिलावल में आपको गा के दिखाई दिया कि कैसे ये स्पर्श सुर खूबसूरती बढ़ाते हैं, जैसे कि सा रे। अब मैंने सा पर नहीं लगाया, सिर्फ रे पे लगाया, यानी कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो भी पता होना चाहिए। हर कहीं लगा देंगे या हर जगह लगा देंगे तो बेकार लगेगा। सा रे ग, ग सीधा लगा और रे पे ये स्पर्श लगाया। ग प, ग प, ग पे लगाया और वो ग कहाँ से लाया, वो था प ग प ग प, जो मैंने सीरीज बनाई है जिसमें मैं संगीत प्रभा वर्ल्ड के ही गीतों को, गजलों को सिखा रहा हूँ, उसमें भी मैंने गाना सिखाते समय ये छोटी छोटी बारीकियों की बात करी है। ये लाइट में भी आता है, क्लासिकल में भी आता है, तो ये आपके गले में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ध, अब बिलावल का अगर आप स्वरूप देखेंगे, शुद्ध राग है, तो आपको पता है कि ऋषभ पे गंधार लगता है, पंचम और गंधार साथ में लगते हैं, ग प, है ना। अब ग प ऐसे नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा कि ग, इतना नहीं जाता कि पंचम तक छू के जा रहा हो, वो सीधा ही जाता है ग, सिर्फ पंचम से ग पर आता है और धैवत पे आएगा तो ध। अब इसमें आप देखें ये बेसिकली है नी ध, है ना। अब मैं अगर गाता हूं सा सा, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैंने सा ही गाया है, नहीं, मैंने सा का तो सिर्फ अक्षर गाया है, स्वर तो मैंने गाए सा ने ध ने सा रे सा, है कि नहीं। तो ये देखने वाली बात है कि अक्षर और स्वर कितना अलग अलग होता है। म ग, अब ये म ग में म और ग ही नहीं लगे, म के अलावा भी म प ग म ग प भी लग गया, लेकिन प मैंने बोला ही नहीं। यही गीतों में भी होता है, जैसे कि राग देश, मुझे ध्यान आती है जब जब मैं इस का एग्जांपल देता हूँ, मींड का या स्पर्श का, क्योंकि बड़ी खूबसूरत राग है और उसमें इसी तरह का जो गायन है वो इस्तेमाल होता है। जैसे सा नी सा रे मा पा रे, तो ये ऋषभ कहाँ से आया, मध्यम से आया, मा रे रे। अब मुझे रे लगाना है तो मैं नी सा मा रे ऐसे ना बोल के नी सा रे सीधा बोलूं, यानी मध्यम लगा भी दिया मैंने, लेकिन गले से उसका स्वर लगाया, उसकी श्रुति लगाई, लेकिन अक्षर मुंह से रे बोला। तो ये कुछ कलाकारी है, यही वो ऑर्नामेंट है जो आपको सीखना होता है। अब जैसे अवरो अवरोह आता है देश का, तो देखिए कितना खूबसूरत जाता है, सारे ने धा धा। अब ये क्या था, ध प, ध और प के बीच में छोटी सी मीट थी, यानी वो स्पर्श सुर है, सारे ने धा प ध म ग ग, ये क्या था, ग रे रे प म ग रे ग ने सा। तो आज मैंने आपको कण के बारे में, ये इसी को कण भी कहते हैं, कण यानी पार्टिकल, थोड़ा छोटा सा जर्रा कि हल्का सा छूके गया। अब कण इज मोर लाइक अ खटका, है ना, और स्पर्श में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से छूके निकलता है, ये है कि नहीं। अब आइए हारमोनियम पर देख लेते हैं इसको। तो जैसे कि ये आपका सा है, ठीक है। अब इस अलंकार को कैसे गाना है, सा रे सा, तो रे, इसी पर मैं गा रहा हूं सा, ठीक है। ये मैं पहली काली से कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप चौथी पांचवी कहीं से भी कर सकते हैं, बिलावल में कर रहा हूँ, आप कोई से भी थाट में इसे कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको हर थाट में ये एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो सा रे सा, और कैसे गाया मैंने, रे सा, ठीक है। इसके स्टेप्स बता रहा हूँ, सा रे सा रे सा, और फिर यहाँ मीड़ जोड़ दीजिए, सा 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 सा। तो ये तो हो गई मीड़। अब यही छोटे छोटे स्पर्श में बदलेगा तो कैसे, रे यानी सा रे ग म प ध नी सा रे, है ना, या फिर सा रे, कैसे कर रहे हैं हम ये, ग
रे, है ना। और ये कहाँ कहाँ लग रहा है, जैसे अभी मैंने करके बताया ही था, सा रे ग ग प, कैसे हो रहा है ये, ग ग, यानी ग प पर ही हमने ग बोल दिया है, प ग, ये ग कट नहीं दिखना चाहिए, रे ऐसे नहीं कि सा रे ग, ये तो कट दिख रहा है हमें, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा नी, है ना। इस तरह से आपको गाना है। अब ये आप दूसरे पेज में करिए, जैसे सा ग रे म ग प, ये वाला अलंकार में करेंगे तो ग सा सा रे ग, है ना। और इसी को आप आकार में भी कर सकते हैं, आ, लेकिन स्वर में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे जो अभी मैं देश का एग्जांपल दे रहा था, रे म ब नि नि सा सा रे नि ध, अब जब देश गा रहा हूं मैं तो सा रे नि ने सा ने, उस अलंकार की मदद से आपको ये मालूम चला, सारे ने दा दा दा, खटका लगाया और ध स्पर्श लगाया, ठीक है। तो स्पर्श स्वर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी मीढ़ी होती है, ध ब द म ग ग, ये क्या हुआ, ग रे ग रे प म ग रे ग ने सा। तो अलंकार मेरे ख्याल से आपको मालूम चल गया होगा, रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा, और फिर ग सा म रे प ग ध म नि प सा ध ध सा प नि म ध ग प रे म सा ग, फिर म सा प रे ध ग नि म सा प प सा म नि ग ध रे प सा म, फिर और बढ़ा लो, प सा ध रे नि ग सा म, है ना। ऐसे ही करते करते आप एंड में नि सा सा रे रे सा या नि, इस तरह से गा सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। मीढ़ का अलंकार भी देखिएगा, स्पर्श का भी देखिएगा, और व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे आ ही रहा था, कुछ भी समस्या हो तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।